हम तीन मूलभूत आयामों की बात कर रहे हैं जिनके बिना अस्तित्व में कुछ नहीं हो सकता। बस तीन मूलभूत शक्तियां, तीन मूलभूत गुण इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये केवल सतह पर अलग है, भीतर गहराई में सब कुछ एक ही है। तो आधुनिक वैज्ञानिक अपनी ही भाषा में कह रहे हैं कि शिव हर चीज को एक साथ थामे हुए हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीन लोगों के बारे में मत सोचिए। एक बादलों पर तैर रहा है, दूसरा पहाड़ की चोटी पर बैठा है, तीसरा कुछ और कर रहा है। हम तीन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम तीन मूलभूत आयामों की बात कर रहे हैं जिनके बिना अस्तित्व में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सृष्टि की बात कर रहा हूं। क्या रखरखाव हो रहा है? बेशक विनाश भी होता है ना? आपके शरीर के अंदर अभी करोड़ों कोशिकाएं मर रही हैं, करोड़ों नई कोशिकाएं बन रही हैं, और ये धरती भी, और ये सौर मंडल भी, और ये पूरी सृष्टि भी, ये इन्हीं तीन पहलुओं की एक अभिव्यक्ति है, सृजन, रखरखाव और विनाश। शायद आपको शिव से थोड़ा लगाव हो गया है और आप थोड़े विनाशकारी हो गए हैं। अभी तीन किसी न किसी अनुपात में काम कर रहे हैं और यही पूरे ब्रह्मांड का आधार है, और स्थूल में भी यही तीन शक्तियां हैं, सूक्ष्म में भी यही तीन शक्तियां हैं, एटम यानी परमाणु में भी यही तीन शक्तियां हैं, और ब्रह्मांड में भी यही तीन शक्तियां हैं। ये एक बहुत ही सरल सी सृष्टि है, बस तीन मूलभूत शक्तियां, तीन मूलभूत गुण इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। बहुत बड़ा खेल है ना, बहुत ही बड़ा है ना, बहुत ही बड़ा खेल। बस तीन शक्तियां, शानदार काम हो रहा है सिर्फ तीन के साथ। तो ये तीन तीन हैं, पर अगर आप पर्याप्त गहराई में जाते हैं तो ये बस एक हाथ है। इसी तरह ये सिर्फ एक है। हर जगह आप एक त्रिशूल देखते हैं, ये मत सोचिए ये कोई हथियार है। मुझे पता है कि कुछ लोग इसे हथियार जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको हथियार चाहिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही खराब हथियार है। अगर आप किसी के हत्या करना चाहते हैं तो त्रिशूल एक खराब हथियार है। ऐसे लोग जो लड़ने के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ वे ही त्रिशूल लेकर जाएंगे। बताइए हाँ या ना। क्या आप किसी को भी कोंच सकते हैं इस तरह के त्रिशूल से? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, ये एक प्रतीक है। अब शिव एक त्रिशूल लेकर चलते हैं इसलिए नहीं कि वे आपसे लड़ना चाहते हैं। उनके बेटे एक भाला रखते हैं, वो लड़ाई का हथियार है। वे लड़ते रहे कार्तिकेय लगातार लड़ते रहे, शिव कभी नहीं लड़े, क्योंकि ये बस एक प्रतीक है। ये बस आपको ये दिखाने के लिए है कि सतह पर ये तीन है, भीतर गहराई में सब कुछ एक है। ये लगातार यही दर्शा रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये एक हथियार है, नहीं, ये हथियार नहीं है, ये ठीक हथियार नहीं है, है ना? जब तक आप लोगों को धकेलना ना चाहते हो, अगर आप लोगों में छेद करना चाहते हैं तो ये अच्छा हथियार नहीं है। तो ये तीन, ये केवल सतह पर अलग है, भीतर गहराई में सब कुछ एक ही है, पर ये तीन अभिव्यक्तियां सृष्टि में सभी पहलुओं में साफ साफ मौजूद हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लेकर कई 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 दूसरे स्तर की अभिव्यक्तियों में ये हमेशा मौजूद है। इस तरह काम कर रहे हैं तो वो महादेव हैं। ये तीन देव हैं। जब ये सभी एक के रूप में काम कर रहे हों तब ये महादेव हैं। तो हम विनाशक को महादेव कहते हैं क्योंकि इसका संबंध है, ब्रह्मा का संबंध है सृजन से, विष्णु उनका संबंध है सृष्टि के संचालन से, शिव शून्यता है। ये दोनों सृष्टि और रखरखाव, इनका अस्तित्व सिर्फ शून्यता की गोद में ही है। सृष्टि में मौजूद खाली स्थान ही है जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है, जो असीम है, और यही वो गोद है जिसमें सृष्टि बनती है और गायब हो जाती है ना? ये घटती है, अपना संचालन करती है और बिखर जाती है। सब कुछ शिव की गोद में होता है क्योंकि वे शून्यता है। शिव यानी वो जो नहीं है, शी व यानी वो जो नहीं है। तो वो जो नहीं है उसके आगे हम सर झुकाते हैं क्योंकि वही असली चीज है। आज मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है।